इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा जी ने हमें कॉल किया है मुरादाबाद से, उनसे बातचीत करते हैं। रमा जी बताएं, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मैंने हकीम जी से यह पूछना है कि मुझे डॉक्टर ने गठिया बताई है जी, और मेरे जो है पैरों में, हाथों में की उंगलियों में सूजन आ जाती है जी, और डॉक्टर ने जो कही है गठिया है ये हमेशा के लिए रहेगी, ठीक नहीं होगी। उम्र कितनी है रमा जी आपकी? मेरे 64 है। और ये जो समस्या सवाल जी, और दूसरा ये है कि मुझे थोड़ा ब्लड प्रेशर भी रहता है, थायराइड भी है। अच्छा, ये जो जोड़ों का आप बता रहे हैं गठिया, ये कब से है आपके साथ परेशानी? मुझे इसको 8 महीने हो गए, टेस्टिंग में उन्होंने आप गठिया बताई है जी, कि ये छोटी वाले जोड़ों की गठिया है आपको। ठीक है। अच्छा देखिए, आपको तो बहुत ताज़ी ताज़ी गठिया है, मतलब एक साल भी नहीं हुआ है। जो आप अगर प्रोग्राम देखती हैं तो 5-5, 10-10 साल पुराने लोग भी अच्छे हो जाते हैं अगर वो अच्छी तरह इलाज करें। देखिए गठिया जो है वो खटिया पे पहुंचा देता है आदमी को, ऐसे गांव की मिसाल है। तो इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने आप करेंगे तब इलाज है। और थायराइड का भी इलाज है, वो भी ठीक हो सकता है। एक एक करके कर लें जो आप बेहतर समझें। एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप खुद बनाएं। देखिए अलसी ले लीजिए 500-600 ग्राम, और उसको पाउडर बना लीजिए हल्का सा भून के अलसी, और 1 चम्मच अलसी रोज़ सुबह और शाम खाया करें। और 100-200 ग्राम आप ले लीजिए गौंद स्याह, एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह या काला गोंद कहते हैं, ये अलग से पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी ये अलसी खाएं तो इसमें 1 या 2 चुटकी गोंद स्याह मिला लें। बड़ा कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा, इंतहाई कड़वा होता है, बड़ा मतलब स्वाद अच्छा नहीं होता उसका, लेकिन फ़ायदे में मैंने ऐसी अपनी ज़िंदगी में के अनुभव में कोई दवा नहीं देखी जो गठिया को भी आपसे दूर कर देता है। ये गठिया का इलाज है, समझ रहे हैं आप? अलसी पीस के अलग रखें, हल्का सा भून के 1 चम्मच लें, उसमें 1 या 2 चुटकी गोंद स्याह मिला के दिन में 2 बार खा सकते हैं खाने के पश्चात, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।